अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सिंगापुरियन राइस। तो इसके इंग्रेडिएंट्स अब भैया बता रहे हैं। एक केजी हमने चावल लिया है, विनेगर चाहिए हमें 2 टेबलस्पून सॉल्ट चाहिए। हमने 3 लीटर पानी दिया है, अब हम 2 टेबलस्पून सॉल्ट डाल देंगे। 1 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे इसके अंदर, चावल टूटे ना हमारा। मीडियम आंच रखनी है, जब बॉईल हो जाएगा तो फिर हम लोग इसमें राइस ऐड करेंगे। ये हमारा बॉईल हो गया है पानी, अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे मीडियम आंच पर। तरीके से राइस बॉईल कर लिया, अब हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे। अब हम लोग स्पैगेटी बनाने जा रहे हैं, तो इसके इंग्रेडिएंट्स अब भैया बता रहे हैं। हमने एक पूरा पैकेट स्पैगेटी का लिया था, हमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट चाहिए, 1/4 कप हमें ऑयल चाहिए। हमने कढ़ाई के अंदर 1 लीटर पानी डाल लिया है, अब हम 1/4 कप ऑयल डाल लें, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, इस तरह से फैला लेंगे स्पेगेटी को। हम इसको मीडियम आंच पे बॉईल करेंगे। स्पेगेटी बॉईल कर लिए, अब हम इसको पानी को ड्रेन करेंगे और ठंडे पानी से इसको धो लेंगे। अब हम लोग स्पेगेटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो ये हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल चाहिए हमें और 1/4 कप हमें गार्लिक चाहिए चॉप किया भी। अच्छी तरह से इसको सौते कर लेंगे हम लोग। 1 कप बंद गोभी डालेंगे और उसको अच्छे तरीके से सौते कर लेंगे। बंद गोभी सौते हो चुकी है, अब हम लोग कैप्सिकम डाल रहे हैं। हमने कैप्सिकम भी 1 कप ली थी और गाजर भी हमने 1 कप ही ली थी और उसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। इन दोनों को सौते कर लेंगे। आप आग थोड़ी हम लोग बढ़ाएंगे, ये सब्जी अपना पानी थोड़ा छोड़े। हमने आग धीमी कर ली है, अब हम इसमें चौल एंड बाजरे का डालेंगे। चौल अदरक जाएगा, हम ले सकते हैं। अब हम 1 टीस्पून वाइट पेपर डालेंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब हम इसमें स्पेगेटी डाल देंगे, हमने उसको बॉईल किया था, अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम एकदम धीमा कर लेंगे। आपको अब हम लोग चिकन को कुक करेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे इसके अंदर, तो हम गार्लिक डाल देंगे, सौते करेंगे हम लोग पहले। एकदम मीडियम आंच पे हम लोग उसको सौते करेंगे। हमारा गार्लिक सौते हो चुका है, हमने एक पूरा ग्लास पीस लिया था, उसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, अब हमें इसमें डालेंगे। तेज फ्लेम पे अब करेंगे हम लोग, चिकन अपना पानी खुद छोड़ेगा। अब हम लोग सॉल्ट ऐड करें, 1 टेबल स्पून, आप हस्बैंड जाकर भी ले सकते हैं। अब वाइट पेपर 1 टी स्पून। हमारा चिकन एकदम वाइट हो चुका है, अब हम लोग उसमें 1/2 कप टोमेटो केचप डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसमें 1/4 कप सोया सॉस ऐड कर रहे हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग हॉट सॉस ऐड कर रहे हैं 1/2 कप, अच्छे तरीके से इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसमें 7 लाल गोल मिर्च डाल रहे हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमें सॉस बनाएंगे, सबसे पहले 1 कप हमें मेयोनीज चाहिए, 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे इसके अंदर, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। आप 1/3 कप टोमेटो केचप डालेगा, आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 पिंच
हम लोग चिली फ्लेक्स डालेंगे हम लोग। ये हमने 1 पिंच लिए, ये हमने डाल दी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। हमने राइस रख दिया है, अब हम इसमें स्पेगेटी के ऊपर रखेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग अपना चिकन रखेंगे। अब हम बघार लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने 1/4 कप ऑयल लिया है इसमें और 1/4 कप हमने गार्लिक लिया है, फाइन चॉप कर लिया था हमने इसको, और 6 गोल मिर्च चाहिए हमें। हम लोग सौते कर लेंगे। गार्लिक और गोल लाल मिर्च ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसको प्लेट के अंदर निकालेंगे। ये हमने बघार तैयार किया था, ये देख रहे हैं हमने मिर्चों को भी एकदम तोड़ लिया इस तरह से। अब हम लोग इसमें बोतल में हमने सॉस डाल दिया था, अब सॉस इसके ऊपर डालेंगे हम लोग। इसके ऊपर से हम लोग ये बघार डालेंगे। अब थोड़ा सा इसके ऊपर खूबसूरती लाने के लिए ये स्प्रिंग अनियन ने इसके ग्रीन पार्ट को काट लिया था अच्छे तरीके से, अब इसके ऊपर से हम लोग डाल देंगे थोड़ा। ये हो गया भाई हम लोग का सिंगापुरियन राइस तैयार। तो हमारी इस मज़ेदार रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हमारे इंस्टा पेज और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, दोनों को जाके फॉलो कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोज़ की आप लोग तक अपडेट आ सकें। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।